नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आरएस प्री 2021 के अंदर जो क्वेश्चन पेपर में जो यहाँ पे विवाद यहाँ पे क्वेश्चनों पे रहा है लगातार, उसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। दोस्तों, अभ्यर्थियों की लगातार जो यहाँ पे मांग की जा रही है उन्हीं क्वेश्चन पर की जा रही है जो यहाँ पे आयोग के द्वारा स्पेशलिस्ट कमेटी बिठाई गई थी, तो उनके क्वेश्चन को लेकर जो सवाल यहाँ पे दिए गए हैं, उनके आंसर जो दिए गए हैं उसके ऊपर लगातार यहाँ पे जो विशेषज्ञ हैं उनके प्रश्नों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालाँकि यहाँ पर बताया गया है कि सवाल जो है वो गुरुमुख निहाल सिंह का प्रथम राज्यपाल कब यहाँ पे बने हैं राजस्थान के, तो विशेषकों के जवाब की बात करें तो 1 नवंबर 1956 यहाँ पे रहा है। हालांकि आयोग का तर्क जो रहा है वो 26 अक्टूबर 1956 यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आरपीसी की परीक्षाओं में लगातार इन सवालों के जो जवाब हैं उनको लेके विवाद यहाँ पे बना रहता है। हालांकि हाल ही में आप देख पा रहे हैं आरएस प्री 2021 के प्रश्नों में 4 सवालों के अंदर जो जवाब यहाँ पे मांगा गया है वो यहाँ पे कम्प्लीटली अभ्यर्थियों की आपत्ति के विरुद्ध है, जिसमें अलग प्रकार के यहाँ पे जो तर्क हैं, जो सवालों के जो निष्कर्ष हैं वो आरपीसी के द्वारा दिए गए हैं। अभ्यर्थियों के तर्कों को दरकिनार करते हुए यहाँ पे आयोग खुद ही यहाँ पे सही साबित करने में लगा है। हालांकि आयोग पहले यहाँ पे 6 क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट कर चुका है सेट्स में, और 6 क्वेश्चन के डिलीट होने के बाद भी यहाँ पे 4 प्रश्न ऐसे हैं जिन पे लगातार यहाँ पे विवाद यहाँ पे छिड़ा हुआ है। टोटल यहाँ पे 10 प्रश्नों का जो विवाद है वो सामने यहाँ पे आ चुका है। इस कारण आयोग के विशेष के जो क्वेश्चन के जो सवाल दिए हैं तो उनके क्वेश्चन के सवालों पर भी यहाँ पे जवाब है वो मांगा जा रहा है। हाल ही में विशेषकों के सवालों पर यहाँ पे जो खड़े हुए हैं विवाद, उनको विधायक नरपत सिंह राजवी ने इस मुद्दे पर विधानसभा में सवाल यहाँ पे पूछा है, जिसमें पहले आप देख सकते हैं 6 सवाल पहले से ही आरपीएससी यहाँ पे डिलीट कर चुका है इसमें, और 4 सवालों पे लगातार यहाँ पे विवाद बने हुए, जिसमें पहला क्वेश्चन अगर बात करें तो गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था। विवाद की बात करें, आयोग ने 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्ति यहाँ पे मानी है, जबकि विशेषकों के अनुसार ये नियुक्ति 25 अक्टूबर राष्ट्रपति के वारंट जारी करने की। हालांकि जो गुरुमुख निहाल सिंह को जो नियुक्ति दी गई थी वो 31 अक्टूबर तक यहाँ पे दिल्ली के सीएम रहे हैं, और जिसमें राजस्थान के जो सीएम रहे हैं वो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के वर्तमान रूप में अस्तित्व में आया था, जिससे 1 नवंबर 1956 को ही सही मानना चाहिए। आयोग हमने अधिकृत वेबसाइट से जवाब जो है वो सही माना है। देखिए यहाँ पे आयोग का भी कहना है। सेकंड क्वेश्चन में जो विवाद यहाँ पे रहा है वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल बीमारियों के पैकेज पे रहा है, जिसमें विवाद जो है वो आपने देखा ही है। यहाँ पे आयोग ने इसमें 1576 बीमारियों के पैकेज को सही माना है, जबकि परीक्षा में करीब 1 महीने पहले सरकार ने पैकेज का संशोधन करते हुए 1579 बीमारियों के पैकेज को इसमें शामिल किया गया था। आयोग का जो तर्क है वो ये कहना है कि आयोग का तर्क अगर बात करें तो इनका करंट अफेयर्स का सवाल यहाँ पे था, जिसमें डेटा योजना में बदलाव होते रहते हैं ये कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो विधवा पुनर्विवाहित प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की जो स्थापना है वो किया गया था। अगर विवाद की बात करें तो आयोग ने सवाल यहाँ पे गलत लिखा, क्योंकि यह एसोसिएशन 1871 में नहीं 1878 में स्थापित किया गया था। आयोग की बात करें तो आयोग का तर्क है कि यहाँ पे इस पर यहाँ पे केवल 8 अभ्यर्थियों ने आपत्ति लगाई, ये कम संख्या को देखते हुए आयोग ने तर्क दिया गया टाइपिंग में मिस्टेक यहाँ पे त्रुटि बताई है। लास्ट और चौथे क्वेश्चन में जो विवाद यहाँ पे रहा है, पिछले कुछ हफ्तों में लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इस कथन और कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया था। विवाद यहाँ पे अगर बात करें तो आयोग ने माना है कि सरकार तुरंत टैक्स कम करे, लेकिन अधिकतर अभ्यर्थियों ने यह कहते हुए आपत्ति लगाई है कि इस कमेटी का गठन होना चाहिए और कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन यहाँ पे करना चाहिए। आयोग का तर्क की बात करें तो रीजनिंग का सवाल यहाँ पे माना जा रहा है, इसलिए हम इसका जवाब सही है। साथ ही यहाँ पे कुछ जो हाल ही में आप देख ही पा रहे हैं शासन महोदय जो कि डॉक्टर किरोड़ीमल के द्वारा यहाँ पे कहा गया है, जवाब को लेकर आयोग के तर्क चिंताजनक है। आयोग ने इससे पहले पेपर बनवाए उन विशेषकों को आधारभूत जानकारी नहीं है। परीक्षा में 6 क्वेश्चन डिलीट कर किए जा चुके हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन पर लगातार यहाँ पर विवाद माना जा रहा है। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन विवादित यहाँ पर बताए गए हैं। साथ यहाँ पर दीपेंद्र शर्मा जो संरक्षक है राजस्थान बेरोजगार संघ के, अभ्यर्थी का तर्क सही है और आयोग को गलती माननी चाहिए। सवाल के जवाब जो हैं आयोग के जरिए साग दाव पर लगाने वाले विषय विशेषकों की कार्रवाई यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये अपने पास में आरएस प्री एग्जामिनेशन के जो विवादित क्वेश्चन पे लगातार यहाँ पे विवाद यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा जताया जा रहा है, उसके लेके यहाँ पे न्यूज़ थी। हाल ही में आप देख पा रहे हैं आरएस मेन्स एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करवाने की भी लगातार यहाँ पे मुहिम अभ्यर्थियों के द्वारा जारी है। जल्दी यहाँ पे उसके अपडेट भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।